बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। चले आज रबीना के दस्तरखान में बन रहा है एक फ्लू के लिए कावा, तो मुझे भी थोड़ा सा फ्लू हो रहा था तो मैं बनाने लगी थी। मैंने सोचा चलो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। मैं वही चीज़ बताती हूँ जो मैं पहले आप इस्तेमाल करती हूँ और जिसका मुझे फ़ायदा हो, और माशाल्लाह इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत ज़बरदस्त नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। आइए देखते हैं कैसे बनता है। और जो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जो कोरोना वबा की वबा फैली हुई है ये, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है कावा। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है थोड़ी सी अदरक, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, थोड़ी सी फ्लेवर के लिए चाय की पत्ती और ये गुड़। हाँ, चाय की पत्ती ना आपने सिर्फ फ्लेवर के लिए एक चुटकी लेनी है। अब मैं एक कप पानी ले लिया, अब मैं इस चीज़ें डाल के ना एक जूस दिलवाऊँ। जैसा कि बताया जा रहा है ना, बताया जा रहा है कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ख़ास तौर पे ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो प्लीज़ स्कूल तो बंद हो गए हैं, बच्चों को बाहर खेलने से बचाएं, क्योंकि बच्चे ही हमारा सरमाया है। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को महफूज रखे, अल्लाह पाक आप तमाम सब फैमिली को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। जी अब एक जोश आ गया, मैंने एक कप पानी ऐड किया था। अब एक जोश आने के बाद मैं एक और कप पानी का ऐड करूँगी और इसको 1 मिनट के लिए पकाऊँगी। और वो जो सारी चीज़ें जो मैंने ऐड की थी ना, उनका रख निकल आया था। अब एक और कप पानी का डाल के मैं इसको 1 मिनट के लिए पकाऊँगी। और प्लीज़ गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, अपने आप को महफूज रखें। और बहुत बड़े लॉकडाउन से हम बच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर लिया था और कावा बन गया। मैं इसको कप में डालूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कावा बन के रेडी हो गया। ये फ्लू और खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और कोरोना की वबा जो फैल रही है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, कोरोना जैसी बीमारी से भी अल्लाह पाक उसको महफूज रखे, और तमाम मेरी फैमिली को सेहत वाली अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। और मेरे जो नए यूट्यूबर आने वाले, मैं उनको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक उनके भी चैनल को कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।